फंडामेंटल क्लास के अंतर्गत अपना षट आवश्यक का चैप्टर चल रहा है। षट आवश्यक में दो आवश्यक अपने हो गए थे, देव पूजा और गुरुपास। आज अपने को तीसरे आवश्यक स्वाध्याय पे चर्चा करनी है। निकालो आप स्वाध्याय के अंदर पेज नंबर 2 पे किसे कहते हैं स्वाध्याय। सौ प्लस अध्याय का नाम है स्वाध्याय। सौ का अध्ययन ही स्वाध्याय। इसका अध्ययन स्व का, निज का, अपना खुद का, ये कौन क्या मेरा स्वरूप है, इसके लिए जो अध्ययन मनन है वो सब स्वाध्याय है। और यदि ये नहीं है तो कोई स्वाध्याय नहीं। अपन ये सब पढ़ रहे हैं काहे के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने में लीन होने के लिए। स्व का श्रद्धान ज्ञान और आचरण ही परम कर्तव्य है, और उसी के अध्ययन के लिए, स्व को समझने के लिए जो अध्ययन मनन चिंतन ये सब क्या कहलाता है, स्वाध्याय। और वो जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए तत्व का होना चाहिए। सबसे पहली शर्त ही हम आप और हम जो बातें कहते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। हम हजार तर्क दें किसी बात के, उन तर्कों का कोई कीमत नहीं है यदि भगवान की वाणी में अन्यथा लिखा हो तो। मतलब भगवान जिनेंद्र की जो वाणी है वो परम प्रमाणिक है, उसके सामने हमारे कुतर्क ठहरते नहीं। इसलिए उन्होंने कहा वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया हो, इसका निरूपण करता हूँ जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का। क्या ये बहुत जरूरी है? क्यों? क्योंकि अपने को जिनवाणी पढ़नी है, अपने को कोई भाषण नहीं सुनना है, ना अपने को कोई जिनवाणी सुनना है। अपना मूल प्रयोजन क्या है? भगवान जिनेंद्र की वाणी के अनुसार कोई भी बात है ना, बात, इसलिए अपन बार बार उसका हवाला देते हैं कि देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। क्योंकि ये तो आज समझ लो अपन कह रहे हैं, इससे आपने मान लिया, कल कोई और कुछ कहने लग जाए, वो बात तो होगी ये कह रहे। तो इसलिए ना मेरी सच्ची ना उसकी सच्ची, सच्ची किसकी, जो आगम की वो सच्ची। नाथूलाल जी पंडित जी साहब थे अपने इंदौर में, उनके अंडर में रमेश चंद जी पंडित जी पढ़े हुए हैं। तो रमेश चंद जी बताते थे हमको, बोले वो जैसे कोई बात उन्होंने कही तो उनको याद रहती थी, उन्होंने कह दी तो कहने के बाद में उनका मन नहीं मानता था, जान करके जा जाके ये यहाँ किताब में लिखी है और निकाल के ढूंढते रहते थे किताब। तो किताब ढूंढने में 10-10 मिनट लगा दे, छात्रों को बड़ा बहुत होता था, आंखूता हो जाते थे। अरे साहब आपने कहा, मैं मान लिया, बस रहने दो आप, मत ढूंढो। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक तुम्हें दिखाऊंगा नहीं तब तक मेरी बात, ये मेरी नहीं है, ये यहाँ लिखी क्या। क्योंकि हमें उसका श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए जिनवाणी का। वक्ता जो है प्रमाणिक नहीं होता, वक्ता की प्रमाणिकता आगम के अनुसार बोलने से होती है। यदि वो आगम के अनुसार है तो वो प्रमाण है, और आगम के अनुसार नहीं है, अपनी मर्जी से प्रमाण। क्योंकि वक्ता पे ज्यादा, मतलब उसके पास ज्यादा अधिकार ही नहीं है, उसको तो बस जो वहां लिखा है उसी को समझाना है, उसको कोई अपना नया धर्म नहीं चलाना है, ना अपना मनगढ़ंत कोई बात। जो है आगम की कही हुई वो, आगम का शब्द जो चला आया है परंपरा से, मैंने भगवान जितेंद्र की परंपरा से जो चला आया उसको कहते हैं आगम। गम होता है गम, गच्छ जाती, गच्छ गच्छती गच्छता, गच्छती गच्छता गच्छती, गच्छ गच्छ जाती हो, क्या अर्थ होता जाना। और गम और गच्छ तो गम, गम गम गच्छ से बनता है जाना। और आगम दान देना, और आदान, अरे हिंदी इतनी कमजोर है क्या? दान माने देना, तो आदान मतलब क्या है? लेना।
तो गम माने जाना, तो आगम माने आना, आगम माने आना। तो कहां से आई है, देखो सुनो, से कहां से आई है? वीर जिनेंद्र के द्वारा जो आई है, उस परंपरा से जो आई है वो आगम है, उस परंपरा से नहीं है तो आगम नहीं, वो भगवान जिनेंद्र की परंपरा की होनी चाहिए। भगवान जिनेंद्र की परंपरा में जो जो प्रामाणिक आचार्य है, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, जिनकी प्रामाणिकता परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार की है, क्या उनकी होनी चाहिए? मैंने जिनको जो बात के आचार्य हुए जो हमारे लिए प्रामाणिक, उन्होंने उनको अत्यंत आदर से स्मरण किया, जिनको समग्र जैन शासन में सम्मान प्राप्त है, प्रामाणिकता प्राप्त, उनका लिखा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो वीर जिनेंद्र की वाणी को कहा। आगम का हवाला, हवाला का आगम का पता नहीं लिखा है, आगम में लिखा हुआ होना चाहिए। तो फिर अपन उस आगम को देखेंगे किसने लिखा है, कौन से आचार्य का है। समय लोग कोई आज अपने मन से कोई ग्रंथ लिखे, उसके ऊपर नाम दे आचार्य कुंद कुंद, तो बुद्धिमान तो परीक्षा करेंगे ना, ये कुंद कुंद की भाषा शैली इसमें है कि नहीं है, कुंद कुंद की कुछ भी है कि नहीं, विषय वस्तु है कि नहीं, कुंद कुंद ने जो बात कही उससे मिलती कि नहीं, ये प्राकृत भाषा भी है कि नहीं है इसकी, संस्कृत है, प्राकृत है, क्या है भाषा शैली उस जमाने की, थोड़ा नहीं उसकी परीक्षा है। समझ लो शेक्सपियर के नाम से कोई उपन्यास लिख दे कि शेक्सपियर का, दुनिया उसकी पहचान की परीक्षा नहीं कर सकती। कोई दुनिया में लोग माल बेचना चाहे, समझ लो सोने की दुकान पे और नकली माल बेचे, हीरे की दुकान पे चांदी वो उसको कांच को हीरा बता के बेचे, भोला ठग सकता है? जानकार भी ठगाएगा, जानकार तो दो मिनट में देख के कह रहे क्या है, कांच है तो हीरा नहीं है, तो वो ऐसी बात नहीं है। तो कोई कहे भी यदि उसके नाम पे परीक्षा हो सकती है, पहले अव्वल बात तो वो उनके नाम पे चलनी नहीं है, क्या? क्योंकि उनके नाम पे जो कुंदाचार्य आदि जो आचार्य हुए, तो जब प्रामाणिक आचार्यों की परंपरा से जो हुए, तो वो तो बराबर मतलब एक मत से मान लें, और जो बीच में यदि किसी कसाई ने अपनी मर्जी से लिखे भी तो काल के काल में समा गए, बाद में अन्य जो विद्वान हुए उन्होंने उसका निषेध कर दिया कि उनकी रचना हो नहीं सकती, उन पर लेख लिखे थे अच्छे अच्छे, मतलब उनके अंदर उनके चक्कर में कोई भ्रमित नहीं हो तो उसके बारे में उन्होंने अच्छे से प्रामाणिक लेख लिखे ही बता भी दिया कि आप ये लेख पढ़ो और इस लेख से मिलान कर लो जो हम बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। सब क्या है, कुछ तो जो जिसकी मान्यता है उसकी ना मान्यता में बहुत बड़ी चीज़ होती है, माने मान्यता माने एक तो कुल का बहुत चला करता है, जो जिस कुल में होता है वो चाहे कुछ भी हो वो उस कुल की मान्यता को नहीं छोड़ता। जैसे हमारी दादी अम्मा थी, हमारे पिताजी, हमारी माता जी, सब अलग अलग जगह से आए, सबकी ऐसी अलग अलग थिंकिंग, लेकिन हमारे अंदर सभी चेंज हुए लोग हैं, जो जो क्या मानता था वो क्या करने लगे, तो उनकी थिंकिंग ऐसी थी एकदम पक्की। ये बोलते देखे जाते हैं कि कम पढ़ो और अधिक करो, पढ़ा बहुत और करा कुछ नहीं, तो क्या करना क्या है? थोड़ा सा इसको पढ़ो एक्चुअल में इसको, कि प्रत्याख्यान क्या है, त्याग क्या है, उसके लिए गाथा है मेरे पास में समय सार की, सवे भावे जम्म पच्चक खाई परेति नादुनम हम्मा पच्चक खाणम नाणम नीमा मुहे दव्वम, कि भाई जिस ज्ञान में पर वस्तु को पर जान ली तो उस ज्ञान में उस पर वस्तु का त्याग हो गया, ये गाथा उसके अंदर, मैंने ज्ञान ने पर वस्तु को पर है ऐसा जाना तो उसने पर छोड़ दिया, इसलिए तम्मा पच्चक खाणम, इसलिए प्रत्याख्यान, नाणम माने ज्ञान है, नीमा मुने दवम ऐसा नियम से जानना चाहिए, ऐसा लिखा उसमें गाथा। थोड़ा क्या है अपने को अभ्यास थोड़ा सा करेंगे तो अपने सब, मैंने कहा ना इसलिए आगम क्या कहता है पहले उसको पढ़ लो, ये तो फिर क्या है, पढ़ाई से शिक्षा से इस संसार में न किसी का नुकसान हुआ है न हो सकता है, बल्कि शिक्षा हमें सही मार्ग बताता है कि सच्चा मार्ग क्या है। आचार्यों ने हम पे करुणा करके इतने शास्त्र लिखे, और करोगे क्या, क्या करना, करने के नाम पे क्या करना है, किस क्या चीज़ करनी क्या है, करना क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए करना है,
सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान का क्या क्या स्वरूप है और सम्यक चैत का क्या स्वरूप है। तीसरा तर्क ये आया कि तुम ज्यादा पढ़ लो तो तीन काल में भी बोले बस सही है, तुम नहीं ले सकते। तो अपन मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ाने वाले खुद को सही छ है। अरे यदि वो स्वयं उसके स्वयं के जीवन का उदाहरण देख लो, क्या कौन सा अपन अपने जीवन में असंयम कर रहे हैं, कौन सा व्रत नहीं है। ये दुनिया के अच्छे अच्छे व्रती संयमियों से अच्छे अच्छे आचरण तो मैंने आपको बताया था ना कि जिन्होंने नई नियम लिए उनके दिख रहे हैं। व्रत संयम लेवे तो सच्चा लेवे ना, झूठा व्रत संयम लेके क्या करें। नाम व्रत संयम का रखे और व्रत संयम के नाम पर असंयम का सेवन करें तो उससे क्या सिद्धि। देखो एक चीज है, मैं इसलिए बार बार इसका उदाहरण देता हूँ कि वो जो है ना वो होता है क्या बोलते है रंगमंच के अंदर क्या होता है कि अंदर कलाकार लोग जो है वो पूरी अपनी तैयारी करते हैं। मैं बताया ना पहले आपको, क्यों बताया? तो क्या होता है कि रंगमंच के कलाकार जब तैयारी करते हैं अंदर में तो बाहर लोगों को आकुलता होती है, क्योंकि टाइम हो जाता है तो लोगों को आकुलता होती है कि ये खोले क्या, ये खोल क्यों नहीं रहे, इतना टाइम हो गया। लेकिन वो जब तक पूरी तैयारी नहीं होती तब तक नहीं खोलते, लोग पत्थर भी फेंकना चालू करते लेकिन वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि खोल देंगे तो और जो कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अंदर पूरी तैयारी होगी, बिल्कुल व्यवस्थित सब लोग आ गए होंगे, सारे लोग सज गए होंगे, सब चीज़ जहाँ जो रखानी होगी वो रखा जाएगी, फिर वो अपने आप रंगमंच का पर्दा खुल जाएगा, उसके बिना नहीं खुलेगा। अभी तो एक ही भक्त पढ़ रहे हैं, फिर चार पढ़ेंगे और जो क्या, तो उसकी तैयारी हो ना, उसकी भूमिका ही नहीं हो, उस बात की उसकी भूमिका ही नहीं होगी और वो पहले से ही उदाहरण करेगा तो उसमें दोष लगेंगे और कुछ नहीं। जेब में चमन नहीं है, माल चाहिए रुपए का, तो या तो खोटा पैसा आएगा या जो है चमन नहीं भी जाएगी और क्या होएगा क्या। क्योंकि अपने एक तो मूल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमने ये माना ही नहीं है कि धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। यदि ये माना होता तो जो सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है शास्त्र में उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारे चित्त में जो बाह्य क्रियाएं हैं उसको हमने धर्म मान रखा है। हम धर्म जिनवाणी जो कह रही है हम उसको नहीं समझना चाहते, हम तो लोग क्या कह रहे हैं धर्म का स्वरूप, हमारी चर्चाओं में धर्म का क्या स्वरूप है, हमने किसको धर्म का स्वरूप मान रखा है, हम तो वो अपनी मान्यता के हिसाब से समझते। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र मोक्ष का मार्ग है। उसके अगला ही सूत्र दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो सात तत्व का क्या स्वरूप पूछे तो सही है, तत्व का क्या स्वरूप, मैं कौन हूँ, पर कौन है, रागादि भाव कैसे है, वीतरागता क्या है। जब तक हमें वीतरागता में सुख नहीं लगता और हम यदि चाहे कुछ भी क्रियाएं करें तो अन्य मत में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो अंतर है वो रत्नत रहेगा और बिना रत्नत रहेगा, अन्यथा क्या अंतर है। वो भी अग्नि पंचाग्नि तप, वो भी तप रहा है, वो भी नीरस भोजन कर रहा है, वो भी जो है जो भी उसकी भूमिका प्रमाण वो भी तप कर रहा है, वो भी ब्रह्मचर्य पाल रहा है। फिर हम उसको तो कुदेव गुरु कहते हैं और हम जो है अपने आप को सुगुरु कहें, किस आधार पर, क्या आधार क्या है। आप जैन दर्शन की महानता किससे समझते हैं, जैन दर्शन किस चीज से महान, जैन दर्शन रत्नत्रय से महान, सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्र। अनंत काल तक जिस आत्मा में जीव को लीन रहना है, जब तक तो उसको अपने आत्मा की रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो वो लीन किस में रहेगा, कोई एक्टिविटी के अंदर उसको लीन थोड़ी ना हो, और क्या करना है वहाँ पर। सम्यक चैत्र किसका नाम है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में लीन रहे, आप में स्थिरता, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त बलाए, पर द्रव्यंते भिन्न आपको जान पनों सो सम्यक ज्ञान खिलाए, और पर द्रव्यंते भिन्न आप में आप रूप में लीन रहे, आप रूप में लीन रहे। ये है अपने स्वरूप में लीनता रहे, अपने निस्वरूप की लीनता किसका नाम है।
ये अपन जब तक ये निश्चय रत्नत्र व्यवहार रत्नत्र में भेद ही नहीं करना सीख पाएंगे तो क्या वो असली जो रत्नत्र है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। ये निश्चय रत्नत्र है, ये छेड़ाला में दौलत राम जी ने कहा है, पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि, पर द्रव्यंत भिन्न अपने आप को जानना, और आप रूप में लीन रहे फिर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होकर लीनता, उसका नाम सम्यक चाहित है। सिद्धों की ये सम्यक चाहित है, सिद्धों के जिस चीज को हम सम्यक चाहित मानते हैं सम्यक चाहित है ही नहीं। यदि सम्यक चाहित उसको कहेंगे तो सिद्धों में सम्यक चाहित मिलेगा ही नहीं। एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज करना, कोई क्रियाएं करना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये सब कुछ नहीं है। ये अपने आत्मस्वरूप की रुचि के लिए ये सब, जिसको अपने आत्मस्वरूप की रुचि नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा में लीनता नहीं है, उसके क्या धर्म है? क्योंकि अनंत काल तक मोक्ष में क्या करना है, करेगा क्या मोक्ष में? अनंत काल, अनंत काल तक अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाएगा वो जीव अनंत काल तक? तो कोई ऐसी चीज मजेदार चीज होगी कि नहीं होगी कि जिसमें अनंत काल तक लीन रहेगा? क्यों संसार की सब चीजें छोड़े, भोगो भोग छह खंड की भूति, और अपने आत्मा में लीन हो जाए? अपने ऐसा लगता है जैसे कोई दुखदायी अवस्था है, जबकि वो मोक्ष का मार्ग चालू वहां से होता है, मोक्ष का मार्ग फिनिश नहीं होता। बिना आत्मस्वरूप के जाने पहचाने और आत्मस्वरूप में लीन हुए ना मोक्ष मार्ग चालू होता है और न खत्म होता है। ये सब तो साधन है, ये साध्य नहीं है। क्या हमने इसको साध्य मान रखा है? ये साध्य हो गया। हम कह रहे हैं कि वो जो मूल साध्य का लक्ष्य होगा तो साधन तो अपने आप होते हैं, ये सब चीजें होती है, ये करना नहीं पड़ती, और हम उसको करना चाहते हैं। करने नहीं करे आए तो उसके करके थोड़ी नहीं होती है। पूरे के पूरे जैसे मुनिराज के 28 मूल गुण और गृहस्थ के शट आवश्यक या गृहस्थ के 12 व्रत, वो पलते हैं, पाले नहीं जाते। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि वो कुत्ते जो है ना हलवाई, क्या कुत्ते पलते हैं, हलवाई कभी कुत्ते पालता नहीं है। ऐसे सारे नियम वगैरह ये सब पालते हैं, ये पाले जाते हैं, बहुत व्यवहार की भाषा है कि पाले जाते हैं। जब अपने आत्मस्वरूप की रुचि होती है तो ये सहज पलते हैं। देव पूजा का भाव आए बिना रहता नहीं, गुरु उपासना आए रहता नहीं, स्वाध्याय की रुचि हुए बिना रहती नहीं। तो अपन कितनी बार कहते मार मार के पाड़ 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 खाए, तो उसको अपने आत्मस्वरूप की और अपने आत्मा को प्रद्रव्य से भिन्न करने की रुचि। देखो अभी आत्मस्वरूप के जो पोषक साहित्य है ना, जिसमें आत्म स्वभाव का वर्णन है, अपने को ना वैसी रुचि है। सचमुच अपन घंटों दूसरे सब साहित्य पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसमें अपने निजात्मा का वर्णन हो वो नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे क्या कि मैं हूं कौन? हमारी बुद्धि में जो हमने समझ रखा है अपन तो वही मानते हैं कि अपन वही है। इसमें मोक्ष प्रकाशन में इतना तक लिखा है कि कोई उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व करता है, कोई उपदेश आदि क्रियाओं में अपनत्व करता है। ये दोनों ही परद्रव्य की क्रियाओं में अपनत्व करने से दोनों के दोनों मिथ्या दृष्टि। तो पढ़ेगा नहीं तो अनुभव कैसे होगा? सम्यक दर्शन के लिए 5 चीजें जरूरी है, 6 लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो उसमें तीसरी लब्धि का नाम क्या है? देशना लब्धि, उपदेश की प्राप्ति हो। गौतम गणधर्व है ना, 4 ज्ञान के धारी गणधर्व, मति शुद्ध औदी मनमय। भगवान जिनेंद्र का जब से समोषण लगता है और प्रतिदिन समोषण में 7 घंटे 12 मिनट भगवान की दिव्यध्वनि गिरती है, और 1 मिनट की अनुपस्थिति भी उनकी नहीं होती 1 मिनट। और वो कितने ज्ञान के धारी है? 4 ज्ञान के धारी है। और 7 घंटे 12 मिनट रोज गिरते, द्वादशांग के पाठी है। अब उनको क्या जरूरत है बताओ? कुछ करो, पढ़ लें, अब कुछ करो, लेकिन करें क्या? क्या करें? करना गलत नहीं है, करना गलत नहीं है, उसमें धर्म मानना गलत है। क्योंकि धर्म मान लेगा तो धर्म हो गया, धर्म की फाइल क्लोज हो जाएगी। ये जो हम कर रहे हैं करने में गलत नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म की जो बुद्धि है हमारी, ये जो हम कर रहे हैं यही धर्म है, और हमने धर्म कर लिया और हम संतुष्ट हो गए,
संतुष्टि का भाव गलत है। धर्म तो देखो पाप से बचने के लिए पुण्य तो यानी ज्ञानी को भी आएंगे, सबको आएंगे, क्योंकि यदि पुण्य में नहीं आएगा वो व्यवहार धर्म में नहीं आएगा तो पाप में जाएगा, अशुभ में जाएगा, अशुभ से बचने के लिए वो भी करेगा। तो इतने ही कि वो इसको धर्म नहीं मानता और अज्ञानी उसको धर्म मानता, इतनी सी मान्यता के कारण एक संसारी रहता है और एक मोक्ष मान ली जाता है। करने में दिक्कत नहीं है, सो करके ये करने करना भी क्या करना होता है वो वास्तव में, लेकिन उसको मतलब उसके श्रद्धा में बनाना चाहिए कि मोक्ष मार्ग ये नहीं है। देखो उसमें लिखा उसकी भाषा, सो जब तक ज्ञाता दृष्टा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन हो, परंतु श्रद्धा में तो ही माने कि ये भी है छोड़ने योग्य है, वीत राग रूप अवस्था ही उपाधि है। थोड़ा सा अभी अभ्यास और करना जरूरी अपने को, अभी अपन थोड़ा सा एक बार पढ़ लो इसलिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि सच्चा भी वस्तु स्वरूप क्या है ना, छह द्रव्य सात तत्व 85 का है, नौ पदार्थ इनका अच्छा बहुत ठोस, तो अपनी बुद्धि से अपने सब उत्तर मिल जाएंगे कि क्या है वो, करने को तो करो जो भी करना क्या करना, मैं कह रहा हूँ कि करने की जो बात कर रहे हैं वो भी कर क्या रहे हैं जो बात कर रहे हैं करने की वो भी कौन कर रहा है, मतलब ऐसी इस ऐसी चीज पे लड़ी है कि ना करना तो देखो ना मेरे को है ना तुमको करना, लेकिन मुद्दों की लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की कि हमको देश का कल्याण तो ना हमको करना है ना तुमको करना है, लेकिन अपन दोनों कल्याण की बात में लड़ जरूर सकते हैं, तो ऐसा ना किसी को वो करना है ना किसी को ये करना है, मैं तो कह रहा हूँ करो ना करना भी है तो, लेकिन हम तो वास्तव में ना पाप से तो छूटते नहीं है। देखो पाप से तो आदमी छूटना नहीं चाहता और सुनना क्या चाहता है वो कि पुण्य, पहले ये जो है ये सुनना ही चाहता है कि मैं जो है पुण्य भाव में है धर्म, और छोड़ना वो करना वो पुण्य भाव भी नहीं चाहता, मतलब कितनी उसकी प्रवृत्ति में तो ऐसा प्रवृत्ति पाप नहीं छूट रहा है, प्रवृत्ति में एक पाप नहीं छोड़ेगा और कहेगा कि सुनाने में मेरे को क्या कहो, कि सुनाने में भी मेरे को ये कहो कि जो मेरी रुचि मतलब इसको पुण्य भाव को कहो धर्म, और करना तो मेरे को वो भी नहीं है, करना तो मेरे को जो पाप है वो मैं करूँ। अब मैं देखो कितनी स्थूल स्थूल बात करते हैं अपन, जैसे रात्रि भोजन है, जमी कंद है, बाजार के भोजन करके आ गए, ये स्थूल तो छोड़ नहीं रहे आप, अपन उससे व्रत संयम की बात करें क्या करें उससे, वो अभक्षी छोड़ने को तैयार नहीं है, उससे कहें तो एक टाइम खा वो चार टाइम नहीं छोड़ने को तैयार है, चार से दो पे तो आ नहीं रहा, मतलब आदमी की भूमिका तो देखिए क्या करें क्या, वो प्रैक्टिकल आदमी से जो होगा वही तो उसको उपदेश दिया जा सकता है, उसको जो उससे संभव ही नहीं है उस बात का उसको उपदेश देंगे तो जो संभव होगा वो उसका ही पालन नहीं करेगा क्या, जो उसके शक्य है वो शक्य का ही नहीं कर रहा, अशक्य का क्या अनुष्ठान कर रहा है। मैं कह रहा हूँ श्रावक के 12 व्रत, अहिंसा व्रत, सामायिक व्रत, क्रोशोदुपवास, अतिथि समीभाग, लेकिन सामायिक व्रत किसको कहें, जिसने जिंदगी में एक आध बार सामायिक की हो तो उसको कहें, ठिकाने सामायिक के नहीं, तो कह रहा है कि हमको व्रत का उपदेश दो, क्या उपदेश दो तुमको, तुम्हें सामायिक का नाम भी मालूम है सामायिक किसे कहते हैं क्या, अकेले खाने के बाद में ऐसे बैठ के सोने का नाम सामायिक तो ही नहीं, आसान है वो करना था, सच्ची चीज करना तो सब कठिन है, और ऐसे नाम धर के करना तो बहुत सरल नाम है तो आराम से, उसमें क्या उससे बढ़िया सामायिक कोई होती नहीं क्या, बहुत अच्छी सामायिक होती दिन की क्यों भाई साहब, एक समय धर्म ध्यान करते करते प्रमाद आया ना वहां पाप लगता है उसमें, इसलिए तो भोजन के तत्काल बाद सामायिक कही क्यों, ताकि अपने आप भोजन कम होएगा नहीं तो आज एक दिन नींद आ जाएगी तो अगले दिन तुम भोजन कम करोगे, और कम करते करते इतनी मात्रा घट जाएगी कि अपने आप नींद नहीं आएगी उसके लिए, अपने आप वो उसका रिलेशन है उन दोनों का, इसलिए सब चीज़ें करने में सच्चाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ
पांच पैसे का भी सिक्का हो लेकिन माल अच्छा हो तो अपने कोई चिंता नहीं, और रुपये का माल हो लेकिन रुपये में खोट हो तो पांच पैसे भी उसके मिलने वाले नहीं। परंतु इस पद्धति वाला आदमी 1% भी हो भले, लेकिन वो बिल्कुल 100 टन काम हो, और भले ही 10,000 मतलब 100 रुपये हो अपने पास में, लेकिन उसमें यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत कुछ जो है ना, एक भी मकान हो लेकिन उसका टाइटल क्लीन हो तो अच्छा है, 10 हो उसमें से गड़बड़ हो तो क्या काम का, क्या कहीं एक में भी लेने नहीं जा सकते। लोग क्या करते हैं बिल्कुल अपन वहाँ तो एकदम अपने को 100 टन खलास होना चाहिए है? क्लियर है सब चीज, क्लीन कोई गड़बड़ वाला नहीं हो जाए, सब चीज क्लीन काम चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपने कही थी ना बात, देखो ये इसलिए अपन जो है ना ये अपने यहाँ पे श्रावक के पहले 12 व्रत कहे, फिर श्रावक के 12 व्रत के बाद में 11 प्रतिमाएं कही, फिर उसके अंदर छुल्ला की अलग दशा कही, फिर महाव्रत कहे, फिर महाव्रत में वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या है केवल ज्ञान। तो ये सारी पूरी भूमिका है, ये पूरा एक एक क्रम सिस्टम। तो मैं पहले नीचे में रह के और ऊपर की पूरी तैयारी हो जाए मेरी, तो फिर वो नीचे से अगला कदम ऊपर रखे एक एक स्टेप ऊपर, फिर उस स्टेप पे जाके अगली स्टेप पूरी प्रिपेयर हो जाए कि भाई मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ तो अगली स्टेप पे पाऊँ, फिर उस स्टेज पे रहकर अगली में पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए अगली पाऊँ, मतलब वो अगली में पाव रख के उसकी तैयारी नहीं होगी क्या? वो पहले से उसकी तैयारी होगी। और दूसरी बात ये कि उसमें जो जो उग्रता होगी तो वो अगला काम होएगा वो उसी को मैनेज नहीं करना है, वो आगे की प्रोग्रेस है। जैसे मुद्रा तीव्र पुरुषार्थ करेंगे अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे तो क्या होगा केवल ज्ञान होगा मोक्ष होगा। ये नहीं कि हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, अभी हमने ले तो लिए हैं ये और अब हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, ये अभ्यास अब नहीं है, ये तो जब चुल्ला गेलक की अवस्था में था तब था, और चुल्ला गेलक का अभ्यास पहले था, और वो अभ्यास भी क्या कहा जाता है वास्तव में, जैसे जैसे राग छूटता है वैसे वैसे सब सहज होता जाता है। अपन मानते हैं कि अभ्यास किया जाता है, ये कोई शरीर की प्रैक्टिस करना धर्म नहीं है, धर्म अपने अंतरंग कषायों के अभाव का नाम है। अनंतानुबंधी गई हो, अत्याख्यानारण गई हो, प्रत्याख्यानारण गई हो, कुछ क्रियाएं पाल लेना उसका नाम धर्म। हाथ पैर की कोई एक्टिविटी सीख जाए, कोई भी क्रियाएं सीख जाए 10-20-25-50 हो गया होगा तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंतरंग की कषाय नहीं मिटी होगी तो वो मिथ्यात्व कषाय इन दोनों का अभाव हुए बिना अपने जन्म धर्म का प्रारंभ तो नहीं होगा। लोग अपने को भले सर्टिफिकेट दे देंगे लेकिन जिनवाणी तो एक भी बात नहीं, जिनवाणी तो ये कि बेटा तेरा सम्यक का भी नहीं हुआ अभी आविर्भाव, तो तू तो अभी पहले गुणस्थान में है, वहीं का वहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ तेरे। इसलिए आगम पढ़ो, गुणस्थान पढ़ो थोड़ा, गुणस्थान के अलावा 4 अनियोग क्या है, अनियोग की कथन पद्धति क्या है, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का वास्तविक स्वरूप क्या है, निश्चय व्यवहार नए क्या है, ये सब चीज़ें अभी पढ़ो। तो बहुत चीज़ें पढ़ने की, अभी अपन इतने में थक गए। ये भी जरूरी नहीं, सही नहीं। जैसे अपन साइकिल से गिर गए तो हम क्या करेंगे, वापस चढ़ेंगे उसके ऊपर, फिर अपन जो है नहीं वो फिर पुरुषार्थ करें ना, पुरुषार्थ करें, वो ऐसा कोई नहीं पुरुषार्थ करे पुनः चढ़ सकता। समझ लो किसी जीव का गुणस्थान गिर जाए उसको पता भी चल जाए तो वो क्या करेंगे, पुनः पुरुषार्थ से कम पर चलेंगे। उसका उपाय साइकिल चलाने गिरते गिर गए तो वापस चढ़ रहे हो फिर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं गिर गए उससे कोई वो नहीं है कि वो तो ही पता थी। देखो ये हो गए स्वाध्याय, तो स्वाध्याय क्या है भैया देख लो। और देखो एक बात है मैं कहता हूँ, अभी अपन ने जो जनागम है जितना भी उसका आप अपने जीवन में हिसाब लगाना, अपन ने एक ग्रंथ भी पूरा नहीं पढ़ा, कम से कम 1000 ग्रंथ तो होंगे ना, 1000 नहीं तो 100-200 ग्रंथ, 100 ग्रंथ तो है पूरी लिस्ट है, तो 100 ग्रंथ तो एक भी नहीं पढ़ा, तो 1% पढ़ा। लोग कहते बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ने से क्या होगा, मैंने कहा तुमने पढ़ा क्या अभी अभी अपन 14 गुणस्थान के नाम पूछो तो कोई नहीं आया हमने किसी को, कर्णानियोग के 6 नहीं, 12 व्रतों के नाम या 11 प्रतिमाओं के नाम भी आ जाए कि 28 आचार्य व्रत हैं, प्रथमा नियोग के अंदर कुछ पूछ लो थोड़ा सा घुमा फिरा के तो कुछ काम या नहीं मालूम,
द्रव्या नियम तो खैर जिसको आ जाए वो बड़ी बात है, तो चारों अनियम तो है तो कोरे के कोरे क्या मतलब। अपन प्राइमरी वाला बोलो कि अब बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया तो ठीक है, फिर दुकान पे बैठना चालू कर दो कल से, ऐसी बात है क्या करें। अभी तो बहुत कम की ये स्वाध्याय की रुचि तो ऐसे ही बहुत कम की है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने घर पे भी इसका डट के स्वाध्याय मनन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। तो यहाँ आधे एक घंटे लग जाते जो क्लास ठीक है, बाकी इसके बाद घर जाके पढ़े, उसको समझे, उस पर चिंतन करे, मनन करे, विचार करे। हमारा तो क्या है, अपन यहाँ अपनी चल गई क्लास, एक घंटे हो गया यहाँ जो हो गया, उसके बाद 10 जनों ने अपनी अपनी बातें कही, हमने वो सुन ली, हमने वो चित्त में आ गया, ऐसा हम खुद का रिसर्च करते हैं अपनी तरफ से, इसलिए हम घूम जाते हैं थोड़े से, हम हमारी खुद की रिसर्च हो ठोस कि यहाँ क्या लिखा है, हमें समझ में आए कि क्या चीज़ है असली, हम खुद जाके उसमें डीप डाउन जाके उसमें देखे सही कि है क्या यहाँ, कुछ कह रहे हैं तो कुछ लिखा है क्या, लिखा है जाके देखे, छह डाला पढ़े खुद, रत्नगण शावकाचार्य पढ़े, मोक्षण प्रकाशक पढ़े, खुले हैं सारे साहित्य है कि हर जगह मंदिरों में पढ़ो जाके, आप एक एक लाइन आद्यो पान पढ़ो, 90% क्वेश्चन के आंसर तो आपको खुद से ही मिल जाएंगे। मैं तो केवल वो चीज़ पढ़ा देता हूँ कि देखो यहाँ लिखी, देख लो क्या मतलब, अपन तो केवल जो लिखा है ना आगम में उसको बांच के सुना रहे, अपन ने कोई आविष्कार में कोई नई चीज़ नहीं निकाली भाई, अपनी तो इतना ही है कि भाई ये जो लोग ये अंदर छुपी भरी है, छुपी हुई है, इस छुपी हुई चीज़ का थोड़ा प्रकाश में आ जाए, ये जो साहित्य में जो तत्व छुपा हुआ है उस तत्व का प्रकाश हो जाए, अपने को पता चल जाए कि अंदर आचार्यों ने क्या लिख के अपने लिए गए, क्या महान निधि देखे गए हैं, अपन ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर नहीं जाके, थोड़ा उनकी चीज़ पढ़ के चले, तो थोड़ा इसलिए आप पढ़ाते हो, यदि नहीं पढ़ाते हो तो वहीं के वहीं होने वाले, अपनी साल भर भी हो जाएगी क्लास अपन रहेंगे वहीं, ये प्रश्न आज वापिस से एक साल बाद फिर आ जाएंगे। जैसे अभी क्लास की इसकी एग्जाम नहीं ली अपन ने, फंडामेंटल की एग्जाम देनी थी एक्चुअली, फंडामेंटल की एग्जाम रह गई, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा, छठा, सातवा, 7 लेवल है, तकरीबन 4th लेवल पे 3 की एग्जाम हुई नहीं, अब चलते गए, अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि एग्जाम होनी जरूरी थी, एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है याद करने की आदत डले तो अच्छा है, याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अभी 8 कर्मों का क्या, अपने इतना अच्छा चैप्टर हुआ 8 कर्मों का, 8 कर्मों की 10 अवस्थाएं, अभी 10 अवस्थाएं थोड़े दिन याद रहेगी, भूल जाएंगे, पंच परमेष्टि के मूल गुण थोड़े दिन याद रहेंगे, भूल जाएंगे, 7 तत्व थोड़े दिन याद रहेंगे, भूल जाएंगे, 6 द्रव्य के नाम, सामान्य गुणों के नाम, पूछो किसी से सामान्य गुणों के नाम क्या है, नहीं किसी को याद, मेरे को एक ब्रह्मचारी जी थे सोना की थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने मेरे से कहा कोई भी ग्रंथ कम से कम 108 बार नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें क्या कहा जा रहा है उसका मर्म समझ नहीं आएगा, 108 बार पढ़ने गई थी। ये तो क्या है, बड़े बुजुर्ग लोग हुए ना जो बहुत अच्छे अच्छे, मैंने तो मेरे बहुत अच्छी अच्छी सलाह है कि ले ली तो थोड़ा अपना जो है अपने को कुछ समझ में आया, नहीं तो अपन भी ऐसे, ये तो बहुत कठिन चीज़ें भैया शास्त्र वास्त्र, ये तो बहुत ऊँची है चीज़ें, ऊँचे लोगों की ये काम काम पढ़ो, जबकि ऐसी क्या है अपन जो मेडिकल इसमें टेक्निकल लाइन में जो चीज़ पढ़ते हैं उसका तो 97% भी कठिन नहीं है, जब वो कर लेते तो इसमें क्या है, तो थोड़ा पढ़ाई की रुचि तो होनी चाहिए वास्तव में, ये तो मोक्ष मार्ग जो है ये तो काम तो इसी का ही है, जो मतलब लौकिक में जो होशियार होगा वो यहाँ होशियार होगा, जो लौकिक के अंदर होशियार नहीं होगा, अगर पढ़ने लिखने की जिसकी रुचि नहीं होगी उसको तो फिर अपन दूसरा मार्ग बताएंगे, तो यही कर लेंगे, थोड़ी पढ़ने लिखने की आदत तो डलनी चाहिए, तो ना करोगे क्या। चलो मैं कहता हूँ कोई भी अपन ने कोई कार्य भी किया अपना टाइम रहेगा 24 घंटे, 24 घंटे टाइम को तुम कायम पास करो, समझ लो आज किसी ने कहता हूँ किसी ने सब चीज़ छोड़ दी, घर बार सब छोड़ दिया, अरे घर बार नहीं छोड़ा, घर के अंदर काम काज ही छोड़ दिया, रिटायर हो गया वो, अब पढ़ने की आदत तो है नहीं,
तब वो क्या करेगा फिर? कुछ नहीं, वो टीवी देखेगा, और नहीं तो धर्म में भी आएगा, मंदिर में आएगा, तो मंदिर में उठा पटक करेगा और क्या करेगा? नेतागिरी करेगा, समाज के अंदर पद की चाह रखेगा, ये काम करेगा। तो उसकी अभी रुचि नहीं है ना, ये अपन इन सबसे क्यों बचे हुए? ये अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में जो कुछ हो रहा हो रहा हो, अपन अपने बिल्कुल अपने आइसोलेशन है, अपन अपने काम कर रहे हैं आराम से, और अपने को मालूम है कि अपन कहाँ है। कोई प्रयोजन नहीं संसार में, इतने इतने तूफान चलते रहते हैं दुनिया भर के, लेकिन अपने को मालूम है कि अपने को अपना कौन सा रास्ता पकड़ना, और नहीं हो तो वो टाइम नहीं लगे, मन नहीं लगे, पास टाइम पास करने के लिए क्या करें? चलो इस मंदिर का उद्धार करो, इसका उद्धार करो, इसका उद्धार करो, इसका उद्धार, वो उद्धार करने में सबके उद्धार हो जाए और क्या करें? इसलिए बहुत आदमी इसमें रमा लेना चाहिए। जो आदमी इस जिनवाणी में रम गया, जिसका मन उसको कोई दिक्कत नहीं है अनंत काल के लिए, इसमें नहीं रमेगा तो इधर उधर जाएगा। सब स्थूल शुभोपयोग के काम, ये सूक्ष्म शुभोपयोग है, क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करना पड़ता है, मन का दमन होता है इसमें, और बाकी सब चीज़ों में इंद्रिय दमन होती है, मन नहीं दमन होता, मन चलता रहता है, मन दौड़ता रहता है, क्या 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 है क्या। इसलिए ये सब बातें हैं समझने की चीज़ें। देखो अब इसके अंदर तो जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए तत्व, तो ये जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी में क्या लिखा है वो मान लें। जो आगम की है, आगम लिखी मान लें अपने को, तो आगम में जो लिखी नहीं है वो चाहे कोई आके कह दे, वो 25वें तीर्थंकर जैसी बात है, कोई कहे कि 25वें तीर्थंकर होते हैं, कि भाई आगम में लिखा हुआ बता दो, मान लें। आगम में लिखा हुआ नहीं है तो हम कैसे मानेंगे? बस ऐसा वैसा होता है, वैसा होता है, चाहे जो तुम कहो, हमारे पास तो ये कसौटी है, हमारी कसौटी से कोई खरा उतरेगा तो हम उसको मानेंगे, हमारी कसौटी से खरा नहीं उतरेगा तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें समझ में आती है क्या लिखा हुआ। जिसको समझ में नहीं आती उसको मूर्ख बना, जिसे समझ में आती है उसको कौन बना? जिन्हें नहीं पता हो करे तो काम, तो इसलिए ये भगवान द्वारा कहे गए तत्व होना चाहिए, जिन्हें भगवान की वाणी होनी चाहिए, वो बराबर प्रामाणिक आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ होना चाहिए। ये जो मैंने कहा रत्नग्रंथ शाकाचार तत्वार सूत्र मोक्षा प्रकाशक ये वृद्र संग्रह उषार सिद्धि पाए, बड़े बड़े आचार्य। क्या तो पढ़ो इसको रत्नग्रंथ शाकाचार अच्छे से, गाथा की गाथा याद करो, मजा आ जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा। आप कहीं बैठे हो, चाहे कोई कितने ही आपको कहे एक घंटे बाहर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, एक घंटे हमारे पास बहुत सारी चीजें करने की, जाप कर लेंगे दो तीन, अपने जितने भी ग्रंथों का पाठ है वो कर लेंगे। क्या कभी कभी कोई जाते ना कहीं, कोई बेंच वेंग के किसी काम में, तो आदमी जान कर बैठे रहो ठीक है बैठे मलाला फिरते तो भी आ जाता क्या करे इस आदमी से क्या। तो अपने पास चीज होनी चाहिए ना, अपने पास चीज हो अपने अपनी, तो अपने को कहीं जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ट्रेन में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अपन अपना पाठ चालू कर दिया, रत्नग्रंथ शाकाचार हो गया अपना, तत्वार सूत्र हो गया, तुषार सिद्धि पाय हो गया, जो भी जितने ग्रंथ है सब याद करना इसलिए जरूरी है कि जो याद होती है ना चीज, तो उस पर आप चिंतन कर सकते हो, एक एक शब्द पे, शब्द के ऊपर आप चिंतन कर सकते हो, एक एक शब्द के अंदर आपका भाव ख्याल में आएगा, ये शब्द क्यों लिखा है या ये शब्द क्यों डाला इन्होंने, यदि इसकी जगह ये डाला होता तो चल सकता था क्या, इसको यहाँ क्यों लिया, इसका कारण क्या है, ये बात यहाँ क्यों ली है, यहाँ ये क्या समझाना चाहते हैं, आगे क्या कहा है, पीछे क्या है, क्योंकि आपको आगे पीछे की गाथा मालूम है, किस लाइन पे वो जा रहे हैं, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, किस विषय को समझा रही है, ये सारी बातें ख्याल में आती है। उसका लाभ ये होता है कि वो आदमी एकदम उसमें सब मन जाता है, वो जो उसको जो कहना चाहते हैं, वो जिस चीज़ को बताना चाहते हैं, वो चीज़ अपने एकदम जैसे हाथ में रखे आंवले के समान स्पष्ट हो जाती है ये क्या है, और नहीं तो बहुत ऊपर ऊपर रहता है वो स्थूल, अंदर उसकी जो बारीकी होती पकड़ नहीं आती, क्योंकि ये जो जितने शास्त्र है ये बहुत मतलब गंभीर है, गंभीर है मतलब कि इनको अनेक बार पढ़े तो ही उसका रहस्य समझ में आए कुछ का, तो एकदम पहली बार पढ़े तो उसको अर्थ ही समझ में नहीं आया आदि को, तो कि क्या है क्या ये, पढ़ने में ही समझ पढ़ते ही नहीं बनता है ना फिर तो, इसलिए ऐसा है। इसलिए स्वाध्याय तो बहुत, और आदत डलेगी जिसकी पढ़ने की तो
बनी रहेगी। आदत नहीं पढ़ने की, आज नहीं आदत तो समझ लेना जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लगभग अपने यहाँ जितनी क्लास में आ रहे जितनी उम्र वाले हैं ये सब 35-40 के ऊपर है सब, है ना। और एक्चुअली पढ़ने की जो एज है वो अभी फिर भी है थोड़ी, और ये 50 के ऊपर गए तो फिर भगवान भी उनको पढ़ाने आ जाए तो भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक तो क्या है कि उस उम्र में इतनी एनर्जी भी नहीं रहती, इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है, मन भी नहीं शिथिल हो जाता, दूसरे कामों में दौड़ता रहता है, मन ही नहीं लगता। हाँ, और फिर वही सब चीज़ें घर गृहस्थी में इसमें राग द्वेष प्रपंच में इतना उलझा रहता है वो जीव कि उसको निराकुलता से एक घंटे चित्त उसका खाली नहीं मिल सकता। इसलिए जब तक अपने पे दूसरी सारी प्लेटें चढ़ी नहीं है, दूसरी सारी टेपें नहीं, मतलब दूसरी सारी वो लिखी नहीं है, लेकिन जब तक अपने प्लेट पे बहुत सारी चीज़ें नहीं चढ़ी तब तक तो ये चढ़ सकती है, और यदि उस प्लेट पे बहुत सारी चीज़ें चढ़ जाए तो फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि संसार में ये अवसर मिलना ही बहुत दुर्लभ स्वाध्याय का। सम्यक ज्ञान चंद्रिका के अंदर है, देखो नारकी तो विषय आ सकते देखने, नारकी नहीं देव विषय आ सकते, नारकी दुख से पीड़ित है, त्रियंश अविवेकी है, और मनुष्यों में भी बड़े भाग्य से पंच इंद्रिय वगैरह सब मिलाओ, जैन कुल मिलाओ, और फिर सत समागम सत स्वाध्याय सत समागम शास्त्र का सुयोग, और फिर उसकी बुद्धि रुचि और वो समझने बैठ जाए, ये सब मिलना बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अनंत काल में मिलना दुर्लभ है, और वो अवसर मिला और वो अवसर का उपयोग नहीं करें तो वो अवसर तो चला जाएगा, पीछे पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। ये बात है, मेरे से तो कोई पूछे तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, भैया धर्म तो सबसे पहले तो पढ़ने की आदत डाल, मेरा तो आदि भी धर्म वही है, मध्य भी धर्म वही है, अंत भी धर्म वही। कुंद कुंदाचार्य देव भी वही करते थे, तो सारे आचार्य वही करते थे, व्रत आदि धारण करके करते क्या थे, समझ लो उन्होंने पाप छोड़ दी, पाप तो छोड़ दिए, ये तो नहीं करते थे, करते क्या थे, दिन भर क्या करते थे, दिन भर क्या करते थे, विचार तो करो कभी कि क्या करते थे अपन, ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, ये तो सारी लिस्ट लगा ली, तो क्या करना, करना क्या, अभी तुम मैं कह रहा हूँ ना कि कोई रिटायर हो गया, अभी कोई रिटायर भी हो जाए समझ लो इस एज में भी, यदि इसका मन नहीं लगे तो क्या करेगा, करेगा क्या, तो उसको पहले धर्म कार्य में मन लगेगा तो अपने आप बाकी कार्यों से रुचि उसकी खत्म होती जाएगी, और धर्म में मन नहीं लगेगा बाकी भी छोड़ेगा इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होएगा, कुछ मन नहीं लगे यहाँ में मन नहीं लगे वहाँ में मन नहीं लगे वो तो छोड़ ही दियो, और दूसरे कुछ काम करेगा कुछ करने के, इसलिए सब देखो स्वाध्याय के, इसलिए जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले, तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना स्वाध्याय है, किनका निरूपण करने वाले तत्व का, शास्त्र के मैंने 7 लक्षण बताए थे आपको, याद है किसी को बताओ फटाफट, आज अपनी ट्रेन बहुत स्लो जा रही थी, शास्त्र के 6 लक्षण आप खोटे मार्ग का निषेध करे एक चीज, और एक बता दिए सबके लिए हितकारी है, किसी से भी काटा नहीं जाए, हाँ वादी प्रतिवादी द्वारा जिसका उल्लंघन नहीं हो सका, अनुमान से जिसमें विरोध ना आवे 4, जिन्हें भगवान द्वारा कहा गया 5, जिसमें तत्व का उपदेश हो, तत्वोपदेश हो गए, वो तो प्राणी मात्र के लिए हितकारी बता दे, हो गए 7, बस ये है इनका अध्ययन करना,
मैंने जो बात पढ़े हैं उसमें विचार सातु चीजें लगा, प्रत्यक्ष अनुमान से विरोध तो नहीं आ रहा है, क्या वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन तो नहीं होता है, सर्वज्ञ उपमान द्वारा कहा गया है, तत्व का उपदेश है, सबके लिए हितकारी है, कोटे मार का निषेध करता है, वो क्या है शास्त्र है। ये ना इसका सूत्र है, इसका दुआ आप तो पक्य मनोल्लंघ्यम प्रदेष्ट इष्ट विरोध कम तत्वोपदेश सर्व शास्त्र का पद घटन है, इसमें सातों विशेषण। अब ये इसलिए मतलब शास्त्र का स्वाध्याय करना किसी का ही नहीं हर किसी चीज का, नहीं तो बहुत सारी चीजें होती है जिनवाणी के नाम पे, लेकिन वो जिनवाणी में ठोस जो मूल जिनवाणी है आचार्य प्रणीत ग्रंथ है उनका अभ्यास करना, उसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय के भेद कितने हैं? पांच। सबसे पहले वाचना, सबसे पहले खुद पढ़ना, अब आया था खुद पढ़ना पहले, पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे प्रश्नना, नहीं तो हमारे प्रश्न भी ऐसे ही आएंगे, प्रश्न से समझ में आता है अभी भैया अभी पढ़ने की जरूरत है थोड़ी सी, तो पहले अच्छी अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़े, अपनी बुद्धि से जितना अर्थ निकाल सकता है उतना निकाले, फिर खुद मेहनत करे और फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछे। क्या जैसे कोई टीचर के पास चले जाए पहले ही तो वो पूछे तुमने पहले कुछ कुछ किया इसके पहले कुछ अपनी मेहनत की नहीं? नहीं नहीं मेरे को तो बस याद नहीं आया, भागा यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किया कि नहीं किया इसको समझने के लिए, तुम्हें समझाएंगे तो भी समझ में कैसे आएगा, पहले तुम अपनी बुद्धि से पूरा जितना निचोड़ निकाल सकते थे उतना पूरा निचोड़ निकाल, फिर निचोड़ निकालने के बाद भी तुम्हें लगे कि हाँ ये कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर पूछो, मैंने आगे पीछे तुम स्वयं भी पहले एक बार पढ़ के आओ, देख के आओ क्या है क्या नहीं है, पहले अपनी ताकत से भी थोड़ा उसको अर्थ निकालने की कोशिश करें, फिर तो समझे ना, पहले समझने की कोशिश करें अपन। कोई चीज़ है ना जैसे कोई कोई ग्रंथ का पेज है एक पन्ना, कोई बात नहीं आपको पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो आप उसको, तीसरी बार पढ़ो, दस बार पढ़ो आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ न कुछ तो उसमें से समझ में आ जाएगा। करें अपन लोक में दस बार कोई चीज़ पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा इसको पढ़ें, तो पहले तो वाचना खूब वाचना अच्छे से वाचना, और वाचने के लिए अपने को थोड़ी घर पे मेहनत करनी, यह होमवर्क देना चालू करना पड़ेगा, यहाँ कम पढ़ाई होगी ना फिर उससे कम से कम यहाँ लोड कम रहेगा, भैया ये वाला रत्नीवन शावकाचार का ये पन्ना खुद पढ़ के आओ, छह डाला गए खुद पढ़ के आओ, तत्वार सूत्र पढ़ के आओ, तो पढ़ के आओ फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, जो पढ़ के नहीं आएगा उसको ये तो नहीं कह सकते नहीं आए, नहीं तो वो भी नहीं यूँ भी नहीं। लेकिन पढ़े थोड़ा वाचना और फिर वाचने के बाद पूछे, और पूछने में भी मतलब समझने के लिए पूछे, क्या बड़े विनय से अच्छे से प्रेम से पूछे, कोई दिक्कत नहीं, पूछना भी स्वाध्याय है, और पूछ के फिर जो समझा है उसका चिंतन करे, अनुप्रेक्षा माने चिंतन करे, ऐसा नहीं जो पूछा उसका चिंतन नहीं करेंगे तो वो प्रश्न वापस से आ जाएगा, इसलिए अपन ने जो समझा उसमें अपन अच्छे से चिंतन मनन करें, कैसा है कैसा है कैसा है, चिंतन अपने चिंतन की धारा होनी चाहिए, चिंतन के लिए अपन 24 घंटे स्वतंत्र है, चिंतन करें किसका, लेकिन चिंतन की विषय वस्तु मिलती है अपने को वाचने से, जो चीज पढ़ेंगे तो उसका चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो चिंतन किसका करेंगे, घर गृहस्थी की चीज़ों का अथवा अखबार में जो चीज़ आई है उसका चिंतन करेंगे, क्या होना चाहिए इसका, अमेरिका का क्या होना है, चिंतन तो चलेगा, देखो चिंतन से खाली तो कोई नहीं हो सकता, संगी है पंचेंद्री है उसको चिंतन तो चलेगा, यदि वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा तो उसका चिंतन बाहरी वस्तुओं का चलेगा, माइंड तो चलेगा, और मैं कहता हूँ माइंड की जिसने सुरक्षा कर रखी उसने अपनी बहुत बड़ी सुरक्षा कर रखी है, बाकी सुरक्षा में कोई दम नहीं है, बाकी तो यूं होना है, लेकिन ये नहीं सुरक्षित है तो कहीं भी माइंड उलझ जाएगा, चित्त कहीं भी उलझ सकता है, क्या एक बनिया भी जब बिजनेस अच्छा चलता है तो वो भी बिजनेस के चक्कर में एक आसन कर लेता है, उपवास भी कर लेता है,
क्यों, लेकिन मन का लगा हुआ उसका, मन का लगा हुआ, मन सुरक्षित नहीं है, होता है ना अपने साथ कितनी बार होता है, अपने को कोई अपने ऑफिस में गए हो कहीं बहुत जरूरी काम हो, खाना ना छोड़ते नहीं, छोड़ दो शाम का खाना आज नहीं खाएंगे, ये काम करेंगे काम करेंगे, तो अपन ने वो छोड़ दिया है, लेकिन वो अपन उसको संयम नहीं मान सकते, क्योंकि अपना लक्ष्य काय का है, और काम का धन कमाने का, हाँ तो धन कमाना छोड़ के काम करके दिखा, तो वो उसमें कठिन लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें मन भटकता रहता है ना, अब मन इसमें लग गया तो काम हो गया, तो मन उसमें लगा तो काम कहाँ हुआ, मन की सुरक्षा कहाँ है, इसलिए अनुपेक्षा चिंतन मनन करें अच्छे से बैठ के आराम से, जो भी पढ़ा है जो सुना है जो उसका चिंतन करें, इतनी पूजाएं अपनी तो इतनी पूजन है, पूजन की लाइनों का अर्थ विचार करें, स्वाध्याय की लाइनों का अर्थ विचार करें, बहुत है चिंतन करने के लिए, तो बहुत वस्तु है, करने वाला होना चाहिए, फिर आमनाएं जो चीज़ अपन ने पढ़ी है समझी है उसको बार बार उसका उसको भोखे उसका रिवाइज करें, इसका नाम है रटे याद करें, ये इसमें है, ये आमनाएं के अंदर, आमनाएं मैंने पाठ भोखना याद करना, क्यों याद करना, ताकि कालांतर में अपने को स्मरण रहे, विस्मृत नहीं हो जाए तो भूल जाएंगे, यदि बार बार याद नहीं करेंगे, रोज सुबह सुबह उठ के पाठ क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए ताकि याद रहे, बारह भावना पढ़ रहे हैं रोज क्यों, याद नहीं पढ़ेंगे राजा राणा छत्रपति भूल जाएंगे, इसलिए जो अपन ने पढ़ा है उसका निरंतर पाठ करना उसे याद रखना। देखो क्या है, एक लौकिक में एक नियम है कि जेब का पैसा और कंठ की विद्या कोई काम आती है, समझ में ना, पैसा जो जेब का काम वो आता है, तुम्हें तिजोरी में कितने ही पढ़ाओ, लेकिन काम वो नहीं, जो जेब का पैसा है काम वो आएगा, ऐसे विद्या जो कंठ की है वो काम आएगी, क्योंकि मैं ना मैं काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ कौन सी किताब में लिखा, कौन सी किताब में ये भी याद नहीं आ रहा, कहीं कहीं तो पढ़ा है, अब कब कहाँ पढ़ा है ये भी याद नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ा है कब पढ़ा है ये भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को ख्याल है, हो गया तुम्हारा, कोई वकील ऐसा कहे यदि वहाँ जज के सामने जाके हो गया, बोले ख्याल लिखा हुआ देख लिया, ऐसी चीज है ये, अपने का अपने अपने चित्त में रहे वो चीज़ तो फटाफट अपने काम आती है, वो चीज़ विद्या तो कंठ की होती है, वो काम आती है, लौकिक में भी आप बुक बुक का कब तक सारा लोगे कि ये यहाँ लिखा है मैं यहाँ जाके देखूंगा, हैं कंठ की विद्या ने जो याद में मेमोरी मेमोरी यहाँ कंठ में बसा हुआ, आप कहीं मतलब थॉप है चीज़ मुखाग कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है सब कंठस्थ, और ये कोई कठिन काम नहीं है सब चीज़ें, ये सब क्या है आप अभ्यास मांगता हो, एक तो उसमें उपाधेय लगे, सबसे पहली बात तो उसमें उपाधेय बुद्धि होनी चाहिए, उपाधेय बुद्धि मतलब कि ये सबसे बढ़िया काम है, यही मेरे लिए हितकारी है कल्याणकारी है, संसार में भी मेरे को अपना हित करना है तो यही एक मार्ग है, उसको ये लगे इतना बहुमान आए तो वो करेगा नहीं तो वो याद नहीं करेगा, जैसे अपने को स्कूल की पढ़ाई में क्या होता है, अपन जानते हैं कि अपन यदि याद नहीं करेंगे तो फेल होएंगे, फेल होएंगे तो क्या होने वाला है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होएगा, तो अपने को मालूम है ना, तो अपन कितनी उससे मेहनत से करते हैं, मतलब जो आईएएस की तैयारी करता है बहुत उत्साह से लगन से रुचि से करता है, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि मेरा हित इसमें ही है, मेरा यदि मैंने नहीं किया तो मेरा हित होने वाला, मैं इधर का रहूँगा ना उधर का, यही मेरे लिए सब कुछ है, अरे लौकिक में आदमी रात दिन एक कर लेता है, उसको उपाधि मांगे ऐसे उसको उपाधि मांगे कर, मेरे लिए और कुछ नहीं हितकारी, यदि संसार मेरे लिए हितकारी है तो बस तत्वाभ्यास तत्वाभ्यास तत्वाभ्यास, सुबह शाम धुन चढ़ जाए उसको, खाना पीना सब भूल जाए वो एक बार तत्वाभ्यास करने में, ऐसा संसार का भय लगे उसको चार गति के दुखों का, सब पांच इंद्रिय के विषय भोग एक तरफ, मेरे को तो अपना तत्व अभ्यास करना है, क्या कहा है जिनवाणी में मेरे को तो समझना है, तो फिर बात ही अलग है, तो वो आमना है उसका नाम ये सब कर, फिर अंत में धर्मोपदेश लास्ट में, तो खुद को ख्याल हो तो वो उसको बोल दें, वो भी इसलिए ताकि वो अपने संस्कार बने रहे, अपन किसको क्या उपदेश देंगे, आदमी जिसको अपनी बुद्धि से जो समझना हो समझे, तो इससे अपना फ़ायदा इतना ही है कि कम से कम अपनी वो चीज़ बराबर बनी रहती है, अपनी वो विद्या जाती है, क्योंकि ये तो ऐसा है देह ने जितनी जितनी देव बांटो नहीं तो उतनी उतनी बढ़ती है,
इसलिए सबसे बढ़िया तरीका तो पढ़ने का यही है कि आप पढ़ा लो, लेकिन आप पहले पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ाओ। आपको नमोकार मंत्र भी आता है तो आप वो भी पढ़ाओ, छत्तालीस मंगल पाठ आता है वो पढ़ाओ, एसो पंच आता है वो पढ़ा दो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, पढ़ो, आपकी भी विद्या कायम रहेगी। जब कोई कुछ पूछेगा तो आपको अपने आप जिज्ञासा होगी देखने की, तो आप देखोगे करोगे सब करते। धर्मोपदेश लास्ट में, वो अधिकारी हो उसका धर्मोपदेश क्या। और ये सबसे वैसे सिंसियर वाला, सिंसियरिटी वाला काम है धर्मोपदेश वाला। मैंने धर्मोपदेश का अधिकारी कौन, जिसको खुद को धर्म की खबर हो वो। अपन लौकिक में किसी से, हर किसी से इलाज भी करा लेते हैं, अपना करा लेते हैं किसी से भी। तो डॉक्टर के, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम अपेंडिक्स क्या होता है, लेकिन चलो तुम्हें देख लेता हूँ क्या आदमी भागेगा उल्टे पे क्या डिग्री, खुद को ही नहीं मालूम। ऐसे कोई कहे कि मेरे को ऐसे पता तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको मोक्ष का मार्ग बताता हूँ, तो तेरे को खुद को क्या पता है मोक्ष का मार्ग, तो बता। ऐसे धर्म के उपदेशक इस हिंदुस्तान में, धर्म के उपदेशक पान वाले ही मिल जाएंगे आपको, पान वाले भी धर्म का उपदेश देते हैं। अरे बहुत सर, इस देश में तो सभी धर्मोपदेशक है, लेकिन हम लोग में तो डॉक्टर को बिना जांचे उसका इलाज नहीं कराते। यही एक ऐसा है कि आप कुछ भी, कोई भी सुनाने के लिए तैयार है और सुनने वाले भी तैयार है, ऐसी स्थिति है। इसलिए ये बहुत हल्के फुल्के रूप में लेते हैं लोग, प्रवचन भी चल रहा है, आ गए बैठ गए, मतलब आ गए सुन लिया चले गए बीच में उठ के, क्या बहुत, मतलब उसको अपन ने कितनी गहराई और गंभीरता से कहा लिया उसको। तो ये पांच प्रकार के स्वाध्याय के भेद है, वाचना रचना अनुप्रेक्षा आमना है धर्मोपदेश, और इसमें एक व्यवस्थित क्रम है। यदि इस क्रम का उल्लंघन करेंगे तो वो वस्तु बराबर पकड़ में नहीं आए। और वाचने में भी क्रम से वाचना, ऐसा नहीं कुछ भी ग्रंथ वाचना, बिल्कुल सिस्टमेटिक। सबसे पहले वो छड़ाला पढ़े, फिर रत्नकरण श्रावकाचार पढ़े, फिर मोक्षार्थ प्रकाशक पढ़े, तत्वार सूत्र पढ़े, रुद्र संग्रह पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ज्ञानार्णव पढ़े, भगवती आराधना पढ़े, ज्ञानार्णव भगवती आराधना बाद में कर लेना वाली, अनगार धर्मानंद, ऐसे क्रम क्रम से सबको पढ़े, मोमट सार पढ़े, प्रवचन सार पढ़े, समय सार पढ़े, सब पढ़े जिंदगी से। क्रम से एक बार नहीं हो तो सिलेबस, जो यूनिवर्सिटियों में सिलेबस है कुंद कुंद के, यहाँ पे आश्रम के अंदर जो चलता है परीक्षा वो, उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस से पढ़ना आप क्रम से। वहाँ जो सिलेबस बनाया है बिल्कुल व्यवस्थित लोगों ने बनाया है, तो वहाँ जो सिलेबस है, वहाँ जो क्रम है उस सिलेबस से, उस क्रम से पढ़ लो आप बस। कितनी महिलाएँ एग्जाम देती हैं, अच्छे अच्छे कई लोग एग्जाम देते हैं। सर श्री रघुमचंद जी ने वो सिलेबस बनाया बनवाया उन्होंने परीक्षा बोर्ड स्थापित किया, काय के लिए पढ़ने से क्या करना है, तुम तो यहीं आओ ना यहीं होके रहो, परीक्षा बोर्ड काय के लिए स्थापित किया, पढ़ने के लिए। और अब तो कोई कुछ क्या पढ़ता है, देखो ना सर्वार, उसमें तो इतने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ अच्छे अच्छे लेवल के, सर्वार सिद्धि, तत्वार राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सब ग्रंथ अच्छे बढ़िया बढ़िया, पढ़ा ही नहीं उस जाति। पढ़ना तो आजकल एकदम खत्म सा हो, बल्कि जो कोई पढ़े तो उससे और अपन, मतलब उसका और नेगेटिव रूप हो गया उसका, पढ़ने से क्या हो जाएगा, पढ़ने से क्या हो जाएगा। मैंने कहा इसको दुकानदारी कराते ना तुम, इसको भी बोल देते पढ़ने से क्या हो जाएगा, पढ़ने से क्या हो जाएगा। लौकिक में पढ़ाते लिखाते ही नहीं, करना क्या है, बैठना तो इसको दुकान पे ही है, लेकिन दुकान पे बैठने वाले को भी पढ़ाया लिखाया जाता है, क्यों, उसकी बुद्धि उससे खुलती है। अनपढ़ लोगों का तर्क है ये बिल्कुल, मतलब एक जनरल ये हो गया स्वाध्याय। इसके बाद में संयम, फिर संयम की बात तब कि कल करेंगे अपन, कल कल पूरा करना है अपने, सरल चीज है तो अभी थोड़ा क्या कठिन लेंगे अपन, गुणस्थान, चार अभियोग, मारणा स्थान, जीव समास, ये सब सरल सरल चीज चल रही है तो आराम से।